कुशम, एक और रोमांचक मैच, एक और जीत। कितने खुश हैं आप? फर्स्ट हाफ में काफी बराबर था, 14-13 से आप आगे थे, पर सेकंड हाफ में पकड़ बनाई, स्पेशली आखिरी 7-8 मिनट में बहुत अच्छा प्रदर्शन था, जहाँ पे यंग प्लेयर से भी परफॉर्म करा, सीनियर प्लेयर से भी परफॉर्म करा। ये मैं नहीं, जितने एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं इसका सीजन 11 का सबसे टॉप मैच है। यानी डरानी स्ट्रेटेजी का, काफी टेक्टिकल था। सारी स्ट्रेटेजी चली है। इन इनमें सिर्फ 40 मिनट में एक मिस्टेक की है कि चंद्रन रजित जब उन्होंने उतारा, इन्होंने 6 सेकंड में उसको पॉइंट दे दिया। कम से कम 15-20 सेकंड लेने चाहिए थे, किसी तरह भी मैच बदल सकता था। जो मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार है वो 16-17 सेकंड 20 सेकंड इन्होंने लेने चाहिए थे, 6 सेकंड में पॉइंट नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि गेम लास्ट में चेंज हो सकता है। फिर चंद्रन रजित इतना अच्छा था तो उसको स्टार्टिंग में ही लेते, समझे ना? तो मैंने इतना वो नहीं था, बस एक ही गलती है। लेकिन स्ट्रेटेजी के अनुसार अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा बहुत अच्छा मैच था, तो इसमें जैसे प्रसाद राज जी मैंने बोला ये मैच 11 सीजन का सबसे स्ट्रेटेजी वाइज, वैसे नहीं, वैसे ड्रा भी हुए, बहुत अच्छे हुए और मैच हुए, लेकिन स्ट्रेटेजी वाइज उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई, हमने भी अपनी अपनाई, तो इसको अच्छा मैच है और जीत हार का नहीं है। अगर ये इस मैच में लूज हो जाते तब भी मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैच बहुत अच्छा खेला है और ये भाग्य से उनको भी मिल सकता था, लेकिन मैच बहुत अच्छा खेला और इसने अपने फर्स्ट टाइम एशियाड गोल्ड है, फर्स्ट टाइम हमने अपनी इसको कप्तानी का भार संभाला, ये बहुत बना किया, क्योंकि प्रदीप हमारा थोड़ा प्रॉब्लम में है, थोड़ी फीवर सा है, आने काफी वाला अगले मैच। स्पोर्ट था, प्रदीप की फैन फॉलोइंग काफी है नहीं और सारे वो पहले में देखो, सपोर्ट करते वो हैं। बड़ा फाइटर है, मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो मैच हुआ उसमें हमने नहीं किया, वो अपने आप ही उसको होते हुए, बीमार होते हुए वो उतरा है, बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने ही उसको कहा बिल्कुल ठीक हो जा, और भगवान ने चाहा था कल परसों ठीक है, हमारा 9-9 को मैच है, खेलेगा। नितिन, बहुत बहुत बधाई आपको, एज अ कप्तान आप पहला मैच जीते और मैच भी बहुत बहुत बढ़िया मैच था, और सबसे अच्छी बात है कि आपके बेंच से अक्षय था, उन्होंने आगे परफॉर्म करा, एज अ कप्तान आप कितने खुश हैं? और आखिरी जो 5-6 मिनट थे, जब बिल्कुल हर पॉइंट ही गेम चेंजर हो सकता था, वहां पे आपने क्या कहा टीम को? क्योंकि टीम बिल्कुल एक जोश में दिख रही थी, एक यूनिट की तरह। धन्यवाद पल दो, बस यही आए थे कोच साहब, प्लानिंग के साथ कोच साहब ने बोला था कि मेरे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे मेरे पे ध्यान देते रहो, और जैसे रेडर भेजना तो मेरे से मेरी दूसरे आंखों से, में आंख बना, और यही है अभी बराबर मैच चलता रहा, और कोच साहब की फिर प्लानिंग करते ही है, सभी को पता है कोच साहब जो बराबर मैच चलता है तो कैसी प्लानिंग करते हैं, तो उसी हिसाब से खेल लिया जो कोच साहब ने प्लानिंग बनाई थी। बिल्कुल कोच साहब, आप स्टार्टिंग के मैच में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, आप भी काफी निराश थे, पर सुरेंद्र आज हाई फाइव 5 पॉइंट है, सौरभ 3 पॉइंट है, क्रुशियल मोमेंट पे पॉइंट आए है, लीड अच्छा करा है, लीडरशिप दिखी है, और कितने खुश हैं आप? जो टीम में कैरेक्टर दिखाया है, जो कमबैक करा है, अभी बिग लॉस विदेशी शुरू हो चुका है। देखो तमिल बहुत अच्छी टीम है, नरेंद्र और सचिन का कोई जवाब नहीं, सबसे महंगा खिलाड़ी है, तो उस टीम के साथ ऐसी फाइट देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिफेंस भी अच्छा है, दो बहुत बड़े रेडर हैं ये, नरेंद्र भी और सचिन भी। पहला मैच है जहां उनके 6 और 5 पॉइंट है, नहीं तो हर मैच में एक का तो डबल डिजिट में होता है, उनके बिल्कुल लिए स्पेशल स्ट्रेटजी था सर, मतलब आप नहीं बता सकते, हम समझते हैं, करेक्ट, बट आप ये सोच के आए थे कि उनको रोक लिया तो मैच जीत गए। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा एक ही स्ट्रेटजी है कि नरेंद्र और सचिन को कर लो, और उसी पे मैंने फोकस किया, उसी पे सब कुछ किया, उनको कर लो। और ये अब जैसे लास्ट था, मैंने कहा सुनो बोनस देने का कोई फायदा नहीं, फिर तुम 6 रह जाओगे, 7 रह जाओ, 1 पॉइंट दे दो, 5 रह जाओगे, कोई सा पांचों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ना नरेंद्र निकाल सकता ना सचिन निकाल सकता 5 में, और हमारी बोनस बच जाएगी। मैच जीतने का तरीका है कि रेडर को भेजो
विच्छे हैं तो बोनस करो, टैकल होने दो जैसे थे, पॉइंट जैसे थे, अच्छी तरह बोनस किया, टैकल हो गया जैसे थे वैसे हो। टेक्निकली बहुत साउंड मैच था वो सब। आपने शुरू में आगे भी कहा था कि लंबा सीजन है, मैं हार नहीं मानूंगा, ये टीम कमबैक करेगी। आप अभी 11वें स्थान पर है 12 पॉइंट के साथ, पर तीसरे स्थान पर जो टीम है वो 18 पॉइंट पे है और ये कॉम्पिटिटिव सीजन है, वो बहुत फर्क नहीं है। एक तो मैच जीते फिर आप ऊपर आएंगे, तो कितने आप मोटिवेटेड है, कितने आपको अच्छा फील हो रहा है इस टाइम और आगे कैसे देखेंगे? देखो मैचों में एनर्जी तो मिलती है, रही इसकी टेबल की, मैं इस पर ध्यान नहीं देता। मुझे बहुत बहुत चीजें देखी हैं, मैं नंबर वन पर रहा था 6-7 मैचों में, मैं क्वालिफाई भी नहीं हुआ, ये मैंने अप डाउन बहुत देखा है। तो इस टेबल पर ध्यान नहीं देता मैं, इन पर यह ध्यान दे रहा हूं कि धीरे 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 धीरे, देखो क्या है कि पंकज को कौन जानता था, धीरे धीरे आ रहा लाइन में, आ रहा 9 पॉइंट भी किए, 6 पॉइंट भी किए हैं, तो ये नए लड़के आएंगे। अक्षित मुझे मालूम है तीर कब निकालना, मैंने अभी तो 1-2 तीर और निकलेंगे, तो अभी वेट, बहुत मैचेस बाकी है। हालांकि 3-4 मैच में अच्छा नहीं मानता, बहुत गलत खेले, अगर ऐसे ही मैच खेलते रहते तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैंने कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितना क्या करना पड़ा, क्योंकि इसमें 20, 21, 15, 16 कोई मैच नहीं होता। आज के मैच की हर कोई, हर कबड्डी एक्सपर्ट, आज वो जीतते तब भी हम सराहना करते, कबड्डी की जीत हुई, आज स्ट्रेटेजी की जीत हुई है, आज कोच की एग्जाम था, यहां पता चलता है। अब कोच को चांस ही नहीं मिलता ना, 10 पॉइंट से ऊपर क्या कहां चांस मिलेगा, जब तक वहां बताने जाता हूं तब तक तो ये हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा आज पूरी टीम खेली है, आज बहुत अच्छा खेले डिफेंस भी और ऑफेंस। अगला मैच आपका साहब बैंगलोर के साथ है, काफी मजबूत टीम है, दो एक्सपीरियंस रेडर डिफेंडर है उनके पास, तो कैसे देखते हो? नहीं, इसमें भी रेडर अच्छे थे, उसमें 3 रेडर है, सुशील भी एक नया लड़का अच्छा चल रहा है, धनखड़ भी है, मन्नी भी है, मनिंदर, 3 मान के चलो। लेकिन अभी 3 दिन बाकी है ना, तीन के लिए 3-4 दिन बाकी है, देखो बताएंगे हम, क्योंकि अब तो टीम का थोड़ी एनर्जी मिली है, मोर भी अप है और हमें भी थोड़ी सी मिली है, सेट हो रहा है। सीनियर प्लेयर आप बहुत खुश होंगे, सीनियर प्लेयर वापस आ रहे हैं, जनरल आए हैं, हां देखो जूनियर भी सीनियर थे, और आज जो है स्पेशली गेम ग्रेड्स ग्रेड पॉइंट्स और टैकल पॉइंट्स आज आपकी टीम के, तो उसको देखते हुए कितना जरूरी हो जाता है अपने डिफेंस को हमेशा स्ट्रांग रखना, क्योंकि कहीं पे भी वीकनेस डिफेंस में आगे वही पे मैच मोस्ट ऑफ द टीम हार। करेक्ट कह रहे हो, डिफेंस के बगैर कुछ नहीं होता, आज डिफेंस अच्छा है तो उनका भी मोरल अप रहा रेडरों का, जब डिफेंस ही अच्छा नहीं खेला तो वो जो है वो भी क्या करते हैं बेचारे रेडर, तो डिफेंस बहुत जरूरी है, और आज जो डिफेंस खेला है मैं यही इनको यही अभी बताएंगे कि ऐसा ही डिफेंस खेलो, मुझे टेंशन नहीं है, ऑफेंस तो मेरा कुछ ना कुछ कर लेगा, क्योंकि अभी तो प्रदीप भी बहुत करना बाकी, प्रदीप का भी अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो और 1-2 है ऑफेंस में, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब डिफेंस अच्छा कर लो तो मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा होगा। थैंक यू। कुछ टफ गेम बराबर था शुरू में, सेकंड हाफ में पकड़ कम हुई, कहाँ लगते हैं कि थोड़ा कभी रह गया? निगुन से अच्छा खेला, राइडिंग में थोड़ा कमजोर है, वो राइडिंग हम चेंज कर, राइडर भी चेंज करना, चेंज नहीं किया, इसलिए गलती हमारा है, राइडर चेंज करके फिर दूसरा राइडर को थोड़ा मौका दे तो, और 1-2 राइड सक्सेस करके दे तो बाद में टीम सेट हो जाएगा, वो चेंज नहीं किया वो गलती होती है। आपके रेडर्स का अच्छा रहा परफॉर्मेंस ओवरऑल, विषय आज भी थोड़ा ऊपर नीचे चलता है मैच में, आप आने वाले मैच में हम
देख सकते हैं नए राइडर्स को और मौका, इसलिए राइडर अच्छा राइडर है, दोनों भी राइट का लेफ्ट का अच्छा है, नरेंद्र भी अच्छा है, सचिन भी अच्छा है, इसलिए एक बार नहीं निकालना करके हम सोचा एक रेड नहीं है तो एक रेड सक्सेस करेगा करके, वो सक्सेस नहीं किया, वो टीम का लॉस हो गया, एक बीच में एक दूसरा रेड चांस करके दिया तो थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं, वो गलती चेंज नहीं किया हमारा गलती। साहिल आपके काफी क्लोज मैच रहे हैं पर यूजली तमिल मैच निकाल देता है, पूरी टीम को बोझ रहती है, नर्वस नहीं होती, आज एंड में कुछ लगा 5-6-7 मिनट में कि सब कुछ उनके पाले में जा रहा था, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या छोटी छोटी गलतियां थी या क्या टर्निंग पॉइंट था? देखो सर एक तो मतलब हाफ टाइम तक हमारा मैच बराबर ही चल रहा था, डिफेंस अच्छा कर रहा था, तो मतलब हाफ टाइम के बाद जो बस्ता में थोड़ी इंजरी होगी तो उसके चलते टीम अनबैलेंस हो गई थी हमारी थोड़ी, और थोड़ा मूवमेंट खराब हो गया था, तो इसके चलते मतलब हमारा मतलब हाफ टाइम के बाद एक लोग लग गया, तो उसकी वजह से मतलब फिर थोड़ा रेटिंग में भी स्लो मूवमेंट हो गया हमारे टच का। तो सर आपका अगला मैच है एक ही दिन के बाद, अगले से एक दिन तेलुगु होम टीम के साथ, साउथ का बहुत बड़ा मैच है, सदर्न डर्बी कहते हैं, कैसे देख रहे हैं? होम ग्राउंड होगा, इलेक्ट्रिक माहौल होगा, वो भी फॉर्म में आ गया टीम, ये मैच गलती हो गया, नेक्स्ट मैच की सुधार के और अच्छा करेंगे, अच्छा मैच। कुछ नहीं है ऑलरेडी।